अच्छा, कौन सी घटना घटी आपका, आपके अकाउंट से जो पैसा निकल गया, आप किस तरह से फंस गए उसमें? सर एक्चुअली मेरे को लिंक आया था यूट्यूब पे, तो उस लिंक पे मैं क्लिक की, तो वो मुझे बताया और मैसेजेस किया कि बैंकिंग वाला होता है ना, जॉब में आपको 620 रुपए लगेगा पहले कार्ड बनाने का, तो उसके बाद प्रोडक्ट आपके घर पे जाएगा और वो 620 रुपए फिर आपके, जब प्रोडक्ट आपको जो डिलीवरी बॉय देने जाएगा वो 620 रुपए आपको वापस मिल जाएगा, और प्रोडक्ट जब आप पैक करके वापस दीजिएगा, प्रोडक्ट जब वापस आप पैक करके दीजिएगा तो उसका पैसा आपको, पैकिंग का पैसा मिलेगा। तो हम सर हम सोचे कि ये चीज सही है, तो हम उस पर वो कार्ड को हम बनवा लिए 620 रुपए। फिर सर उस पर वो लिख दिया, उस पर कार्ड पे लिखा हुआ था सर कि वो वेरिफिकेशन कार्ड का चार्ज लगेगा, कार्ड का वेरिफिकेशन का चार्ज लगेगा, तो वो 1499 रुपए उस पर लिखा हुआ था सर। और वो फिर हम 1499 हम सर एक बार में उसको दे दिए, ठीक है सर, किसी से दोस्त से मांग के और दे दिए। उसके बाद फिर वो फिर बोला कि नहीं, एक साथ नहीं भेजना है इसको, दो ट्रांजेक्शन में भेजना है, पहले 1400 और फिर 99 रुपए। तो फिर से हम दोस्त से लेके सर उसको फिर से हम भेज दिए, ठीक है सर। तो फिर अगले दिन वो हमको बोला कि हम आपको डिलीवरी करवा देते हैं प्रोडक्ट का। फिर सर जब हम यही क्लास में थे तो फिर वो हमको कॉल किया, तो हम क्लास में थे इसलिए कॉल उसका नहीं रिस्पॉन्स किए। तो जब हम घर गए तो सर उसको कॉल किए तो बोला कि जीपीएस रिक्वायरमेंट होता है जीपीएस का, तो वो आपका टाइम आउट हो चुका है, तो उसके लिए आपका 3200 रुपए लगेगा। तो सर ऐसे ही कुछ कुछ चार्ज लगा के, कभी जीपीएस रिक्वायरमेंट का और कभी ये टाइम आउट का चार्ज लगा के सर वो लगभग मेरे से 20000 रुपए सर ले लिया। और सर हम इधर उधर से करके दोस्तों से मांग के उसको दे चुके हैं और अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। और अब उससे जब हम पैसा मांग रहे हैं सर तो वो बोल रहा है कि आपका पैसा 30000 से ज्यादा हो गया है, इसलिए आप ये क्या बोलते हैं उस पर 10000 का जीएसटी लग गया है, 10990 रुपए का जीएसटी लग गया है, तो वो आप पे कीजिए तभी आपका पैसा मिलेगा, नहीं तो हम पैसा होल्ड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप साइबर क्राइम का बुरी तरह से मतलब फंस चुके। तो भाइयों, आपने देखा कि ये लड़की किस तरह से साइबर फ्रॉड का शिकार हुई है। अभी साइबर फ्रॉड में पहले तो लिंक नहीं आता था, ओटीपी के वगैरह से लोग ठगा करते थे, तो आजकल देखिए अब एक नया ट्रिक आया है कि बच्चे को किस तरह से फंसाया जाए, क्योंकि एडल्ट लगभग अलर्ट हो चुके हैं, तो आप बच्चे को शिकार बनाई जा रही है। तो आप तमाम पेरेंट, बच्चे, स्टूडेंट, अभिभावक, इस बात से आप लोग सावधान रहिए कि किसी भी तरह का लिंक, किसी भी तरह का कोई अनवांटेड चीज को आप लोग करें ही नहीं। आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बस अपनी जरूरत का चीज कीजिए, उसके बाद में मोबाइल फेंकिए। आपने देखा कि किस तरह से लिंक के लोभ में ये बच्ची को फंसा लिया उन्होंने। तो हमारी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को सतर्क करने में काफी मदद करेगा। थैंक यू।